मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मक्की का ढोकला बनाना बताऊंगी। ये काफी टेस्टी और बहुत ही आराम से बनने वाला है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। काफी हेल्दी भी है, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मेरे आने वाले वीडियो को आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मक्की का ढोकला बनाने के लिए ये हमने आधा किलो मक्की का आटा लिया है। ये मकई का आटा है, जो हम लोग कॉर्न जो भून के खाते हैं उसका आटा है ये। और ये हमने धनिया पत्ता लिया, इसे बारीक कट कर लिया है। ये एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे भी हमने बारीक कट किया है। ये हरी मिर्च है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो बड़ी हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है। ये गाजर लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। ये मटर के दाने हैं, इसको हमने पहले थोड़ा सा गर्म पानी में ब्लांच करके हाफ कुक कर लिया है। ये धनिया पाउडर है, एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर, ये भी ऑप्शनल है फ्रेंड, आपको जितना तीखा चाहिए तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा लिया है हमने, आधी चम्मच बेकिंग सोडा है लिया। और ये नमक है टेस्ट के अनुसार। ये हमने ऑयल लिया है, ये गरम पानी है। पानी को हमने हल्का गुनगुना करके लिया है आटा को लगाने के लिए। और ये अदरक को हमने 1 इंच अदरक को ग्रेट करके लिया है। ये चाट मसाला है, चाट मसाला जब ढोकला बन जाएगा तो उसके ऊपर हम गार्निशिंग के समय स्प्रिंकल करेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया अच्छा टेस्ट आता है। अब हम मक्की का आटा शिफ्ट करते हैं। इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा धनिया गार्निशिंग के लिए रखेंगे। प्याज डालेंगे इसमें थोड़ा सा, इस तरह से करके, ताकि प्याज अच्छे से सब पूरा खुल जाए, अलग अलग हो जाए। प्याज डालेंगे, ये ग्रेटेड गाजर, इसको भी डालूंगी। ये मटर के दाने, इसे भी। ये सब्जियां ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। ये हमने हरी मिर्च डाला, ये लाल मिर्च, लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। ये धनिया पाउडर, ये अदरक, ग्रेटेड अदरक, ये टेस्ट के अनुसार नमक, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से नमक डालिए। और ये बेकिंग सोडा, आप चाहे तो इसके जगह पे आप खार भी यूज कर सकते हैं। पापड़ खार करके एक आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इन सबको हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ये मिक्स करने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे, एक बड़े चम्मच के अंदाज में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से काफी सॉफ्ट और अच्छा बनेगा ढोकला। ऑयल भी आप अपने टेस्ट के अनुसार जो आप ऑयल यूज करते हैं वो डालिए। और इसे एक हम सख्त डो तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ये इस तरह से हमने आटे को, मकई का आटा को गूंद लिया। अब हाथ में थोड़ा ऑयल लेंगे, दोनों हाथ में इस तरह से। और इतने बड़े बड़े आपको जिस हिसाब से ढोकला बनाना है आप उस हिसाब से बनाइए। इस तरह से गोल गोल बनाएंगे,
इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और एक बीच में होल कर देंगे। इससे ढोकला अच्छा से पकेगा और ये क्रैक्स आता रहता है तो इसे आप इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से जितना आप थिकनेस चाहिए उस हिसाब से बनाइए। हमने इस तरह से रखा है, सारे ढोकले को हम ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से गोल बनाएंगे, थोड़ा फ्लैट करेंगे और इसमें एक बीच से इस तरह से होल बना लेंगे इस तरह से। और इसी तरह सारा आटा को हम बना लेते हैं। ऐसे हमने सारे गोले बना लिए, इतने मोटे मोटे इस तरह से होल करके बनाया हमने। ये प्लेट ग्रीसिंग करके रखा हुआ है, इसमें सारे गोलों को जितना एक बार में आप प्लेट में आ रहा है डालिए इस तरह से। और इधर हमने पानी गर्म होने रख दिया है, इसमें 2 ग्लास पानी डालकर हमने गर्म होने रखा है। ये गर्म हो गया, इसे अब हम इसमें डाल देते हैं। 10 मिनट्स के लिए बॉइल होने देंगे। इसको इस तरह से ढक के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे। रेडी हो गया, 10 मिनट्स हो गया। इसकी लीड हटाएंगे और इस तरह का हम एक चाकू लेंगे, इसको इस तरह से पुश करके देखेंगे। ये चिपक नहीं रहा है, ये अच्छे से ढोकला रेडी हो गया। और गैस बंद कर देते हैं। इसे अब निकाल लेते हैं हम। अगर इस तरह का बर्तन स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई में पानी लीजिए और उस हिसाब से आप इसे यूज कीजिए, बहुत ही अच्छे से बनेगा उसमें। देखिए ये ढोकला बनके रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा। ये इस तरह से सारे ढोकले बनके रेडी हो गए। इसे आपको चाहिए तो कट करके भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी सर्व कीजिए। इस तरह से ऐसे ढोकलों को रखिए, बहुत ही टेस्टी और काफी हेल्दी है ये। अब इस पे हम थोड़ा सा ये धनिया से गार्निशिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, काफी टेस्टी है ये। थोड़ा सा हम चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे इस पे। ये चाट मसाला ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो आप डालिए, लेकिन डालने से इसकी टेस्ट बहुत बढ़ जाती है। ये हो गया, देखिए मकई का ढोकला बनकर रेडी हो गया है, काफी टेस्टी और काफी अच्छा है। घर पे आप जरूर ट्राई कीजिए।